हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं किया सोनेट HTX के न्यू 2021 वर्जन और 2020 वर्जन के बीच में, जहां पर आपको बताएंगे कि न्यू फेसलिफ्ट के अंदर आपको किन किन फीचर का डिफरेंस HTX वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों न्यू सोनेट HTX वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 8 फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस आपको मिलता है इसके लोगो का। किया सोनेट 2021 को अब किया ने अपने नए लोगो के साथ लॉन्च कर दिया है, जो कि 2020 में अपने पुराने लोगो के साथ ही आती थी। ये लोगो आपको फ्रंट रियर स्टेयरिंग व्हील इवन आपको की के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। दूसरा डिफरेंस आया है इस वेरिएंट के अंदर ट्रांसमिशन के ऑप्शन का, जहां पर आपको किया सोनेट के HTX 2020 वेरिएंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ट्रांसमिशन मिलते थे, जिसके अंदर आपको 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल IMT और 1.5 लीटर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता था, जबकि किया सोनेट के HTX 2020 वेरिएंट के अंदर आपको इन दो ट्रांसमिशन के अलावा अब पेट्रोल के अंदर 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल DCT और डीजल के अंदर आपको 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक भी ऑफर किया जा रहा है। यानी कि पहले इस वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन मिलते थे, अब यहां पर आपको चार ट्रांसमिशन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तीसरा डिफरेंस है व्हील का। तो ओल्ड सोनेट HTX वेरिएंट के अंदर आपको 16 इंच के स्टील रिम्स मिलते थे, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कलर के व्हील कवर्स दिए गए थे, जो कि दिखने में तो एलॉय का लुक देते थे, लेकिन एक्चुअल में वो एलॉय नहीं हुआ करते थे। लेकिन सोनेट के HTX वेरिएंट के अंदर अब आपको डुअल टोन के 16 इंचेस एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, जो कि इससे पहले तक आप टॉप वेरिएंट्स के अंदर देखा करते थे, वो अब इस वेरिएंट के अंदर भी आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। चौथा डिफरेंस है रियर सनशेड का। तो सोनेट के HTX 2021 वेरिएंट के अंदर आपको रियर विंडोज के ऊपर रियर कर्टन या फिर रियर सनशेड भी दिया जा रहा है, जो कि पहले 2020 वेरिएंट के अंदर आपको नहीं दिया जाता था। पांचवा डिफरेंस है सेफ्टी फीचर्स का। तो सोनेट के HTX 2021 वेरिएंट के अंदर आपको चार अदर सेफ्टी फीचर्स को भी ऐड किया गया है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट फंक्शन और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट यहां पर ऐड कर दिया गया है, जो कि सोनेट के HTX वेरिएंट के अंदर आपको 2020 वेरिएंट के साथ नहीं मिलता था। छठा डिफरेंस है ड्राइविंग मोड्स का। तो अगर आप सोनेट का HTX वेरिएंट परचेज करते हैं, जिसके अंदर आप 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल DCT और 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक को चूज करते हैं, तो यहां पर आपको मल्टी ड्राइव मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर किया जा रहा है, जो कि सोनेट के HTX वेरिएंट के अंदर आपको पहले मिला ही नहीं करता था। और सातवां डिफरेंस है पैडल शिफ्टर का। तो ये फीचर भी आपको सोनेट के DCT ट्रांसमिशन के साथ अब ऑफर किया जा रहा है, जो कि पहले आपको नहीं मिलता था। तो दोस्तों ये थे 7 डिफरेंस जो कि आपको न्यू और ओल्ड सोनेट के HTX वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जा रहे हैं। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, क्योंकि फीचर्स इंक्रीज हुए हैं तो जाहिर सी बात है प्राइस के अंदर भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले पेट्रोल वेरिएंट की। तो 1.0 लीटर पेट्रोल टर्बो IMT वेरिएंट, जो कि आपको पहले 9,99,000 रुपये के एक शोरूम कॉस्ट पर मिलता था, वो अब 30,000 रुपये एक शोरूम कॉस्ट पर बढ़ने के बाद 10,29,000 रुपये की ऑन रोड एक शोरूम कॉस्ट पर आपको मिलेगा। जबकि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट, जो कि आपको पहले इस HTX वेरिएंट के अंदर मिलता ही नहीं था, तो उसका एक शोरूम कॉस्ट अब आपको 10,99,000 रुपये का मिलने वाला है। डीजल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर डीजल मैनुअल, जिसका पहले एक शोरूम कॉस्ट आपको 10,19,000 रुपये का रहता था, वो अब 30,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़कर 10,49,000 रुपये तक पहुँच गया है। और यहाँ पर न्यूली लॉन्च जो कि किया गया है 1.5 लीटर HTX डीजल ऑटोमेटिक, जो कि पहले इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता था, वो अब आपको 11,29,000 रुपये के एक्स्ट्रा के साथ ऑफर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इन सभी फीचर्स के अपडेट के लिए आपको करीब 30,000 रुपये एक शोरूम कॉस्ट पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑन रोड प्राइस अभी आए नहीं है, जैसे ही आएंगे उसके लिए भी हम आपको अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट, क्वायरी या सजेशन है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं। जल्द लौटेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।